एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कैलाश, उसकी पत्नी कमला, बेटा बिट्टू और बेटी सविता रहते थे। बिट्टू और सविता एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो चीज खाने के लिए एक दुकान के आगे रुक जाते हैं। दुकान के आगे पहले से ही दो चार लोग खड़े हुए होते हैं। वो सब वहाँ खड़े होकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे वाह दीदी, जरा देखो तो, इस दुकान में तो टीवी है। चलो ना घर चलकर हम भी बाबूजी को एक टीवी लाने को बोलते हैं। तू पागल वागल हो गया है क्या? पता भी है टीवी कितना महंगा आता है, बाबूजी कभी टीवी नहीं लाएंगे। वो ले आएंगे, मैं उनको बोलूँगा तो वो जरूर ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी घर चलो वरना माँ परेशान होगी। बिट्टू और सविता दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही बिट्टू अपनी माँ को एक टीवी लाने को बोलता है। हम गरीब लोग हैं, दो वक्त का खाना खा लेते हैं और तुम दोनों को पढ़ा लेते हैं, वही काफी है। ये टीवी वगैरह सब बेकार की चीज है, इसे दिमाग से निकाल दो। आने दो बाबूजी को, अब मैं उनको ही बोलूँगा कि मेरे लिए एक टीवी ले आए, मुझे भी टीवी पर नई नई चीजें देखनी है। हाँ हाँ बोल देना, तुम्हें भी पता चल जाएगा फिर कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी कितनी बात मानते हैं। बिट्टू पूरा दिन अपने बाबूजी के आने का इंतजार करता है। जैसे ही रात को उसके बाबूजी के आने की आहट होती है, वो खुशी से चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। अरे बेटा बिट्टू, क्या बात है, आज तो मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। सच सच बताओ तुम्हें क्या काम है? क्या बाबूजी, आप भी ना, क्या मैं आपको ऐसे ही प्यार नहीं कर सकता? हाँ हाँ कर तो सकते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। चलो बताओ अब क्या बात है? बाबूजी, वो आज हम स्कूल से आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमने एक दुकान में टीवी देखा, मुझे भी एक टीवी चाहिए, प्लीज बाबूजी आप भी एक टीवी ले आओ ना। अरे बेटा टीवी बहुत पैसों से आता है, और इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? हम अपने घर में टीवी नहीं ला सकते, समझा करो। कैलाश के मना करने पर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाता और ना किसी से ठीक से बात करता है। उसके दिमाग में तो बस एक टीवी घुसा हुआ होता है। वो रोज स्कूल से आते वक्त उसी दुकान के आगे खड़ा होकर उस टीवी को देखता रहता है। काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कैलाश को अपने बेटे को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो उसकी ऐसी जिद को पूरा भी तो नहीं कर सकता था। एक दिन जब सब लोग घर में बैठे खाना खा रहे होते हैं तो बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज़ आती है। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले, टूटा फूटा सामान दे दो, पुराना कूलर टीवी लेना है तो ले लो। टीवी शब्द सुनते ही बिट्टू के कान खड़े हो जाते हैं। वो खाना छोड़कर सीधा बाहर भागता है। कबाड़ी वाले के पास टीवी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो टीवी को छू कर देखने लगता है। क्या है बच्चे, कुछ कबाड़ बेचना है? नहीं, मुझे तो ये टीवी चाहिए। तो पैसे लेकर आ, ऐसे कोई मुफ्त में थोड़ी मैं सामान बांट रहा हूँ। भाई ये टीवी कितने में दोगे? अरे भाई 500 रुपए दे देना। हाँ नहीं नहीं 500 तो नहीं दे सकता। काफी देर बहस करने के बाद कबाड़ी वाला उस टीवी को 300 रुपए में देने को राजी हो जाता है। अब घर में एक टीवी आ जाता है और बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग मिलकर टीवी देखने लगते हैं। हमेशा उस टीवी से अजीब सी आवाज आती थी और कभी कभी तो चैनल खुद बदल जाते थे। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो बिट्टू को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अचानक उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता, पर आवाज अभी भी आ रही होती है। जाओ मेरे पास। ये टीवी तो खराब था ना, फिर ये कैसे चल सकता है? बिट्टू टीवी के पास जाता है तो टीवी में उसे एक अंधेरी जगह दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है तो वो एक कमरा होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। उस कमरे में एक कोने में एक आदमी सर झुकाकर बैठा होता है। बिट्टू उस आदमी को बड़े ध्यान से देखता रहता है। वो आदमी अचानक से अपना सर ऊपर करता है तो बिट्टू के होश ही उड़ जाते हैं। इतना भयंकर चेहरा उसने कभी नहीं देखा होता। डर की वजह से बिट्टू के गले से आवाज तक नहीं निकलती। वो जैसे ही थोड़ा पीछे होने की कोशिश करता है तभी उस भूत का हाथ टीवी से बाहर निकलकर बिट्टू की गर्दन पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ।
नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बिट्टू चिल्लाता रह जाता है पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसकी गर्दन पकड़कर उसे टीवी के अंदर ले जाता है। टीवी के अंदर जाते ही टीवी अपने आप बंद हो जाता है। सुबह कमला बिट्टू और सविता को स्कूल के लिए उठाने जाती है पर कमरे में बस सविता ही सो रही होती है। कमला पूरे घर में बिट्टू को देख लेती है पर वो कहीं भी नहीं होता। सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं। हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया, रात को ही तो मैं उसे कमरे में छोड़कर आई थी, फिर सुबह तक कहाँ गायब हो गया। पूरे दिन बिट्टू का कुछ पता ही नहीं चलता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब कमला के कानों में बिट्टू के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बिट्टू बिट्टू मेरे बच्चे। क्या हुआ कमला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने अभी बिट्टू की आवाज सुनी, वो मुझे पुकार रहा था। चलो जल्दी उसे चलकर देखते हैं, वो यहीं कहीं है। कमला जबरदस्ती कैलाश को अपने साथ लेकर आती है और बिट्टू को आवाज देकर बुलाने लगती है। बिट्टू बिट्टू कहाँ है तू मेरे बेटे? मैं यहाँ हूँ माँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला और कैलाश दोनों इधर उधर देखते हैं पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं देता, बस उसकी आवाज ही आती रहती है। रोज रात को यही चीज होने लगती है, रोज बिट्टू की आवाज आती है पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन जब सविता घर पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो टीवी अचानक से चल पड़ता है। टीवी में वही अंधेरा कमरा और कोने में वही भूत बैठा होता है। आओ, आओ, इधर आओ मेरे पास। कौन कौन है, कौन है, यहाँ सामने आओ। अरे वो देखो कमला, टीवी में, उसमें से आवाज आ रही है। अरे हाँ, ये टीवी बिना तार लगाए कैसे चल सकता है? कैलाश और कमला डरते डरते टीवी के पास जाते हैं। उनको टीवी में वही अंधेरा कमरा दिखता है जिसमें एक भयानक शक्ल के भूत ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है। वो बच्चा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो भूत उसे छोड़ ही नहीं रहा होता और उसे दूर धक्का मार देता है। उसके बाद वो भूत टीवी के बिल्कुल पास आ जाता है और टीवी से अपने हाथ निकाल कर कमला की गर्दन पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर भूत काफी ताकतवर होता है। वो कमला को टीवी के अंदर खींचने लगता है। कैलाश बहुत कोशिश करता है पर भूत कमला को अंदर खींच ही लेता है। सविता भी उसी वक्त वहां आकर सब देख लेती है। हे भगवान, इस टीवी में तो भूत है, तभी इस टीवी में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती थी, इसने तो कमला को भी अंदर खींच लिया, वो ना हो मेरे बच्चा। हाँ, मेरा बच्चा जरूर बिट्टू होगा, अब मैं क्या करूँ, कैसे इनको बचाऊं? हम माँ और बिट्टू को जरूर बचा लेंगे, एक काम करते हैं, हम अब से यहीं बैठकर इस टीवी के दोबारा चालू होने का इंतजार करते हैं। अब दोनों वहीं बैठकर उस टीवी के दोबारा चालू होने का इंतजार करते हैं। अगली रात जब टीवी वापस चालू होता है तो वही भूत वापस टीवी पर आ जाता है। वो एक अंधेरे कमरे में कमला के माँ बाप और बिट्टू एक कोने में बुरी हालत में पड़े थे। सविता हिम्मत करके उस टीवी के पास जाती है और ध्यान से उस कमरे को देखती है। उस कमरे में एक तस्वीर टंगी होती है जिसमें उसके चाचा चाची की फोटो लगी होती है। देखो बाबूजी, चाचा चाची की फोटो, चलो जल्दी उनके घर चलो, ये सब कुछ जरूर चाचा चाची से जुड़ा हुआ है। दोनों उसी वक्त चाचा चाची के घर जाते हैं और चाची को अपने घर लेकर आते हैं। ये क्या है, ये टीवी तुम्हारे घर में कैसे आया? मैं घर जा रही हूँ। सच सच बताओ, ये भूत चाचा का है ना? आपने तो कहा था वो कहीं चले गए और वापस नहीं आए, पर उनकी तो मौत हुई है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश के काफी डराने धमकाने के बाद सविता की चाची कबूल करती है कि उसी ने अपने पति को मार डाला। आप लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया, उसके बाद हम क्या खाते पीते, ये तो इतने बीमार रहते थे कि इनसे कुछ होना नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा मैं दूसरी शादी क्यों ना कर लूं, पर इनके होते हुए वो भी नामुमकिन था, इसलिए मैंने इनको बांधकर ऊपर एक कमरे में बंद रखा। बल्कि आज भी इनकी लाश वहीं उस कमरे में है। वहाँ एक टीवी था और कुछ और भी सामान था जो मैंने कबाड़ी को बेच दिया था। मतलब चाचा का भूत उस टीवी में आ गया और वो टीवी गलती से हमने खरीद लिया। और मैंने तुमको इसलिए निकाला क्योंकि तुम दोनों ने चोरी करके मेरी दुकान ही बंद करवा दी और हमारे इतने बुरे दिन आ गए। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, माँ और बिट्टू को बचाने का है। सब लोग उस बंद कमरे को जाकर खोलते हैं तो वहाँ बिट्टू और कमला बुरी हालत में बंद पड़े होते हैं और वहीं एक लाश सड़ रही होती है। कैलाश जल्दी से कमला और बिट्टू को बाहर निकालता है और अपने भाई की लाश का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और उस टीवी से वो भूत गायब हो जाता है।